जी मीडिया डिजाइन बोर्ड एक्सिट पोल के जरिए दूसरे फेज के चुनाव में बीजेपी एसपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दूसरे फेज के चुनाव में एसपी को मामूली बढ़त मिल रही है, एसपी को 29 से 33 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो 21 से 23 सीटें यहां पर मिल रही है। वहीं बीएसपी के खाते में 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस और अन्य की अगर बात की जाए तो यहां पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं जी मीडिया के डिजाइन बॉक्स के जरिए, कितनी सीटें कहां पर किसको मिल रही है। लेकिन दूसरे फेज के चुनाव की बात की जाए, बीजेपी एसपी में टक्कर दिखती हुई नजर आ रही। दूसरे फेज के चुनाव में एसपी को 29 से 33 सीटें, जबकि बीजेपी को 21 से 23 सीटें मिल रही है, बीएसपी को 1 से 2 सीटें, वहीं कांग्रेस और अन्य जो है वो खाता भी नहीं खोल पाए हैं। तो ये हम आपको तमाम वो आंकड़ा बता रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कहता है अभी ये हम एक आकलन कर रहे हैं, हालांकि 10 तारीख को नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। और अब मेरी सहयोगी मोनिका का भी हम रुख करेंगे जो कि ग्राफिक्स के जरिए लगातार हमें जानकारी दे रही है। मोनिका बिल्कुल, शिल्पा ने देखिए आपको बताया कि दूसरे चरण में किस तरीके का हाल नजर आ रहा है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए और बेहतर तरीके से समझिए कि सेकंड फेज की जब हम बात कर रहे हैं तो एग्जिट पोल दरअसल क्या कुछ कह रहे हैं। जी मीडिया डिजाइन बॉक्स का ये एग्जिट पोल है जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरे फेज के चुनाव में बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। चुनाव में एसपी को मामूली सी बढ़त मिल रही है, समाजवादी पार्टी 29 से 33 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, तो 21 से 33 सीटों पर बीजेपी नजर आ रही है। बसपा की बात करें तो सिर्फ 1 से 2 सीट बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब नजर आ रहा है और प्रियंका गांधी जितना मेहनत करती फील्ड पर नजर आई वो एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, असल तस्वीर क्या होगी वो असल तस्वीर पता चलेगी 10 तारीख को यानी 10 मार्च को। ओवर टू शिल्पा। बिल्कुल, तो देखिए दूसरे फेज चुनाव में कांटे की टक्कर किसके बीच है, ग्राफिक्स के जरिए ये हमारी सहयोगी मोनिका जानकारी दे रही थी और लगातार ये बता रही थी कितनी सीटें जो है एसपी के खाते में जा सकती है, जैसे कि 29 से 33 दिखाई जा रही है। बीएसपी को 1 से 2, कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है, तमाम जो पार्टियां हैं उनके हिसाब से यहां पर वो बता रही थी कितनी सीटें जो है वो मिल सकती है दूसरे फेज में।